हरियाणा में 10 की 10 सीट कैसे निकाल रहे हो, ये आंकड़े नहीं तो बताओ, आंकड़े तो बताओ। नहीं, नहीं। लोग तो यूं कह रहे जी 70 साल से कांग्रेस से दुखी थे, हमने तो जब बीजेपी में आए थे, बीजेपी ने जाने तो कौन दे। वहां हमारे प्रोग्राम में जो लोग आते थे वे आपकी मर्जी से आते थे, और बीजेपी के जो प्रोग्राम होते थे उसमें किराए के आदमी होते थे। आरोप लग रहे हैं, किसने लगाए? एक आपके कांग्रेस का ही लीडर है, पूर्व चेयरमैन है, वो साफ साफ बोल रहे हैं कि जी बरवाला के अंदर 8 पूर्व विधायक विधायक चेयरमैन सारे तो एक तरफ हैं, उनमें से हमारे वाला भी एक ने कोई ना कहीं मतलब मित्रघात किया है। ना ना, उसका क्या है, उसका क्या जाना हुआ कि चुनाव थोड़ा लड़ रहे हैं, चुनाव तो जयप्रकाश जी लड़ रहे हैं। चलो किसी का दूसरे एक आदमी का क्या है यार, उसको मैं जानता नहीं, जो भी है उसने खुद ने खुद आपके गिरेबान में झांकना चाहिए कि तेरे गांव से क्या होगा। एक अपने ना नए नए कांग्रेसी ज्वाइन किए हैं तो उन्होंने ना एक बड़ा सा न्यूज़पेपर ले रखा था, उसमें दिखा रहे थे कि जी ये देखो हमने शैलजा जी ने उड्डा साहब की फोटो लगा रखी है, और इस आर के अंदर जेपी के किसी कार्यक्रम में किसी जगह पे किसी होर्डिंग में किसी पोस्टर में हमारे शैलजा जी की कोई फोटो ही नहीं है, राष्ट्रीय महासचिव है तो देखो फोटो तो बढ़ती है। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, होने जा रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कल गिनती स्टार्ट हो जाएगी। मेरे ख्याल से जिस टाइम मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ ना उस टाइम तो लड्डू बटने स्टार्ट हो जाएंगे, ढोल धमाके ढूंढ धमाके स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे बीजेपी वाले करें चाहे कांग्रेस वाले करें। और इसी कड़ी में जो विश्लेषण चल रहा है ना, इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरवाला से पूर्व विधायक रामनिवास घोड़ेला जी। सर प्रणाम। नमस्ते भाई। नमस्ते, ठीक हो आप? बहुत बढ़िया। थकान उतर गई सारी? ना, थकान जब इलेक्शन बढ़िया होनी तो थकान नहीं होती। एक आजकल ना किसी ने पूछो ना चाहे फोन कर लो चाहे आमने सामने बैठे हो चाहे कहीं जाओ ना, एक ना बड़ा अजीब सा सवाल पूछेंगे, के रहेगा तो बता दो के रहेगा। बहुत बढ़िया रहेगा, कांग्रेस के पक्ष में। कितनी सीटें? हरियाणा में 10 की 10 सीट। कैसे निकाल रहे हो, ये आंकड़े नहीं तो बताओ, आंकड़े तो बताओ। नहीं, आंकड़े बता देते हैं। आंकड़े क्या है कि इन आखिरी 5 सालों के अंदर खासकर हरियाणा की बात करें, हम हरियाणा में सबसे बड़ा वर्ग किसान वर्ग, फिर मजदूर वर्ग, फिर व्यापारी वर्ग, फिर कर्मचारी वर्ग, सारे के सारे वर्ग दुखी हैं। इसलिए हरियाणा में 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी सरकार जीतने जा रही। लोग तो यूं कह रहे जी 70 साल से कांग्रेस से दुखी थे, हमने तो जब बीजेपी में आए थे बीजेपी ने जान तो कौन दे। नहीं नहीं, जान ना देना, वोटर को कोई पकड़ के थोड़ा बिठाएगा? वोटर तो आपकी मर्जी जाता है और मर्जी से वापिस आता है। अब गया जद भी मर्जी से गया था और अब आन लग रहे तो ही मर्जी से आन लग रहे। एक ना बड़ी बात ना सुनने में आ रही है, मतलब जहाँ जाते हैं ना चाहे वो बीजेपी वाले लगा लो चाहे वो एंटी कांग्रेस लगा लो चाहे वो नॉन जाट लगा लो चाहे कोई और लगा लो, एक बात बोलते हैं कि जो कांग्रेस के पल्ले तो ना वो पहले इनेलो में थे और आजकल ना ये बोलने वाले जो वोट है ना वो कांग्रेस का नहीं हो रही है, बोलते बोलते हैं वोट के टाइम पर पता नहीं क्या करेंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे। नहीं, आपने देखा है कमल भाई, इलेक्शन आपने भी देखा, पूरा हिसार लोकसभा का देखा आपने, आप देखो बीजेपी वाले का भी इंटरव्यू लिया है, बीजेपी वाले के इलेक्शन में भी गए हो, उनके प्रोग्राम में भी गए हो, हमारे कांग्रेस के प्रोग्राम थे, भाई जयप्रकाश जी के प्रोग्राम थे, हमारे हुड्डा साहब के थे, भाई दीपेंद्र जी के थे, और भी अनेक नेता कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के थे, आपने सबके प्रोग्राम देखे। तो जो हमारे प्रोग्राम में जो लोग आते थे वे आपकी मर्जी से आते थे, और बीजेपी के जो प्रोग्राम होते थे उसमें किराए के आदमी होते थे। तो आप ये देखो कि बोलने बोलने की बात नहीं है, ये लोग परेशान थे और परेशानी मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ आए। एक बात और आपके बारे में सुनने में आ रही है कि आपने रोड शो भी करवाया जेपी जी के लिए। बिल्कुल करा। आपने बड़ी रैली भी करवाई। बिल्कुल करी। हुड्डा साहब भी आए काफी अच्छी, मतलब मैंने जहां तक मैंने नोटिस किया जितनी अमित शाह की रैली में भीड़ थी ना उतनी आप बड़ी रैली में भी भीड़ थी। बरवाला बहुत बड़ी रैली थी, ऊपर से एक ठप्पा और लग गया बिना मतलब का। क्या का? आपने पता होगा सुना होगा देखा होगा इंटरव्यू? ना ना, किसका इंटरव्यू? मीडिया में चला था, सोशल मीडिया में। किसका बताओ? आरोप लग रहे हैं। किसने लगाए? एक आपके कांग्रेस का ही लीडर है, पूर्व चेयरमैन है, वो साफ साफ बोल रहे हैं कि जी बरवाला के अंदर 8 पूर्व विधायक विधायक चेयरमैन सारे तो एक तरफ हैं, उनमें से हमारे वाला भी एक ने कोई ना कहीं मतलब मित्रघात किया है। होगा कोई तो ऐसे मतलब इस मामले के ऊपर मतलब कोई ऐसी बात नहीं है? ना ना, उसका क्या है, उसका क्या जाना हुआ कि चुनाव थोड़ा लड़ रहे हैं, चुनाव तो जयप्रकाश जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो आप बरवाला हल्के के अंदर एक्टिव थे, आपने काफी कुछ आपने किया मेरा है, तो बरवाला में क्या उम्मीद? हाँ, क्या उम्मीद मान के चलो? देखो ऐसे मैं बताऊं, जो हमने रोड शो कराया
वैसे तो आदमी नहीं आए, नहीं वाकई में आपका रोड शो मैंने कवर किया था, रोड शो वाकई में गजब था। सुनो, कवर किया हमने, जनता से अपील करी, वोट तो जनता ने गिरने भाई। जिस भाई ने किसी को ऊपर आरोप लगाया हो, मैंने नहीं बेरा, मेरे ऊपर लगाया ना लगाया मैं नहीं जानता, उसको नाम उसको जानता ना, उसने कोई मेरा नाम लिया होगा, मैंने नहीं बेरा। पूर्व विधायक तो घने ही है, हरियाणा में बहुत ज्यादा है, बरवाला में रहे, जयप्रकाश जी के भाई रहे, धीरा रहा, इसमें क्या दिक्कत और भी है, ऐसी कोई बात नहीं। चलो किसी का, दूसरे एक आदमी का क्या है यार, उसको मैं जानता नहीं, जो भी है उसने खुद ने खुद आपके गिरे बांध में झांकना चाहिए कि तेरे गांव से क्या होगा, ठीक है नहीं। हाँ, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कैंडिडेट हमारा जयप्रकाश जी है, हमने कांग्रेस पार्टी और कैंडिडेट के साथ हमारे अच्छे रिलेशन भी हैं, 3 बार के सांसद भी रहे हैं और हमारे भी काम आए हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और वो ठीक आदमी था। हमने बहुत, शैलजा जी क्यों नाराज कर दिया आपने? ना मैंने नहीं करी, पता नहीं सारे समर्थक कार्यकर्ता यूँ गवे कि जी हम तो नाराज हैं। किससे? उड्डा साहब से। वो देखो भाई लीडर है, उड्डा साहब भी लीडर है, शैलजा जी भी लीडर है, अब मारी तो भाई देखो इतनी बड़ी पूछ है नहीं, ठीक है नहीं। वे तो भाई कौन नाराज है, कौन राजी है, एक अपने ना नए नए कांग्रेसी ज्वाइन किए हैं तो उन्होंने ना एक बड़ा सा न्यूज़पेपर ले रखा था, उसमें दिखा रहे थे कि जी ये देखो हमने शैलजा जी ने उड्डा साहब की फोटो लगा रखी है और इस आर के अंदर जेपी के किसी कार्यक्रम में किसी जगह पे किसी होर्डिंग में किसी पोस्टर में हमारे शैलजा जी की कोई फोटो ही नहीं है, राष्ट्रीय महासचिव है, तो देखो फोटो तो बढ़ती है उनकी। चलो कोई गलती से कोई रहेगी होगी, गलती से कोई चीज़ रह भी सके, इलेक्शन बड़ा होता है और कैंडिडेट जैसे कि 25 दिन का समय था कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने का, तो सवेरे रात को 3 बजे सोते थे, सवेरे 5 बजे फिर उठ जाता था कैंडिडेट, उसको तो उसान नहीं था इतना। बाकी जो नीचे जो हमारे वर्ग के कार्यकर्ता थे, अब वे देख किसी ने कोई कमी को रह सका, कोई लंबी चौड़ी बात। अच्छा, मैं अब आपको अपने जो इसार लोकसभा के ना हलकों के नाम बताऊंगा। हाँ बताओ। तो आपको ये बताना है कि किस जगह से कितना मार्जिन आप लेके जा रहे हो या कहीं पे आप कमजोर कहाँ पे चल रहे हो। सबसे पहले बात करते हैं आदमपुर की। आदमपुर में हम जीतेंगे। कितने वोटों से जीतोगे? 5-7 हज़ार वोटों से कम से कम। पिछली बार तो जेपी उपचुनाव में तो 15-16 हज़ार से वोटों से हार गया था। क्या बात है, पिछली बार तो इलेक्शन अलग था, आज का इलेक्शन अलग है। आज संविधान बचाने का इलेक्शन है, आज किसान बचाने का इलेक्शन है। सेकंड नंबर पे नड़वा। नड़वा में क्या रहने वाला है? नड़वा भी जीतेंगे। कितने वोटों से? यही कोई करीब 8-10 हज़ार वोटों से। नड़वा में ना एक जेपी ने बड़ी बात कही थी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बोल रहे थे कि जी नड़वा के अंदर तो 80% बीजेपी वालों ने मेरे को वोट दिए हैं। बिल्कुल दिए, इसमें क्या शक है, सभी ने दिए। बीजेपी वाले परेशान है बीजेपी वालों से? बीजेपी में तो बहुत तगड़ी फूट है, आज के दिन जबरदस्त फूट है। चलो उसके बाद आप आ जाते हैं अपने सिटी के अंदर, हिसार के अंदर, जहाँ पे रणजीत जी दावा कर रहे हैं कि 50-60 हज़ार का मार्जिन यहाँ से मैं लेके चल रहा हूँ, क्या लग रहा है आपको? हिसार में हम कुछ कमजोर हैं। कुछ मतलब 10-15-20 बस 20-1 हज़ार से कमजोर है, मतलब 20 से नीचे रहेगा। नहीं नीचे नहीं, 20 के 25 भी हो सके है, 20 भी हो सके। फिर आ जाते हैं उकलाना। उकलाना से अच्छा मार्जिन है हमारा, अच्छा मार्जिन है, मतलब जेपी जी तो दावा कर रहे हैं 30 हज़ार का प्लस का मार्जिन जो कर रहे हैं। बिल्कुल लीडर है वे, उन्होंने कई चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं, कई बार रह भी गए, बाकी उनको पता है सारी बातों का। अब आपके हल्के की बात करें, बरवाला। बिल्कुल बरवाला हम जीतेंगे। जीतोगे आप? बिल्कुल जीतेंगे। बीजेपी वालों ने 15 हज़ार का मार्जिन ले रखा आपके हल्के से, वे तो किमें कह दे, उनका क्या है। चलो हांसी भी देखो थोड़ी बहुत है, हार जीत घनी नहीं, मतलब हो सकता है बीजेपी लीड ले जाए वहां से। नहीं लीड क्या है, जो थोड़ी बहुत रहे भी जाके मेरा ऊंचा नीचा भी हो जाए, नहीं बाकी हम जीत भी सकते कांग्रेस। थोड़ा आगे और पहुंच जाते हैं भवानीखेड़ा जीतेंगे। कितने वोटों से? कम से कम 15 हज़ार वोटों से। 15 हज़ार बता रहे हैं सारे, हमने आंकड़े हमने पूछा है सबसे। नारनौंद में तो देखो वाकई में आपका कल अभी कैप्टन साहब आए हुए थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो भी बोल रहे थे कि हाँ वहाँ पे हो सकता है, हर लोकसभा चुनाव के अंदर अलग ही वहाँ का माहौल देखने को मिलता है, हर बार नारनौंद हल्का का रूट अलग ही मैप दिखाता है। क्या लगता है कितना लीड ले जाएंगे आप वहाँ से? कम से कम 40 हज़ार। 40 हज़ार के लिए कम से कम। तो बीजेपी बिल्कुल साफ कर दिया आपने वहाँ से? नहीं साफ तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ही साफ है, नारनौंद का क्या है, पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीट इंडिया गठबंधन की आएगी। उसके बाद में लास्ट बचाते हैं अपना उचाणा। हाँ जी, उचाणा में कितनी लीड? उचाणा में भी सुनने में यही आया कि 30 और 40 के बीच में, सुनने में आया, देख मैं गया नहीं हूँ उचाणा, मेरा नहीं चक्कर लगा, बाकी सभी विधानसभा में मैं गया हूँ, उचाणा नहीं लगा। तो ओवरऑल मान के चल रहे हैं आपके हिसाब से तो मेरे ख्याल से 1 लाख सिर्फ हिसार को छोड़ के बाकी हर जगह पूरा प्रॉपर लीड के अंदर है। 1 लाख वोटों से जीते, 1 लाख वोटों से आप जीत रहे हैं। तो ओवरऑल आपका ये लोकसभा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब एक तो ये रहता है कि न्यूट्रल रहा, लोगों का रिस्पॉन्स नहीं था, एक जो कम वोटिंग हुई है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? लोग जिस तरीके से जुड़ रहे थे, कितना ईजी रहेगा चुनाव जीतना आपका? देखो
न्यूट्रल की बात नहीं है, काम करने की बात नहीं है। आदमी जब जनता वोट ना दे और काम ज़्यादा करे तो आदमी का हौसला नहीं होता। हमारा हौसला तब हुआ कि जनता वोट देने के लिए तैयार थी, तो हमारा हौसला अभी बढ़ गया। 2019 का चुनाव था, हमने देखा है कोई हमारे को चाय पिलानिया नहीं था, 1.25 लाख वोटा हम रह गए थे। परंतु अब की बार चाहे हमारे कैंडिडेट लगाओ, जयप्रकाश जी रात को 3-3 बजना बिल्कुल, और प्रोग्राम मांगते रह गए लोग, हम जान सके बिल्कुल, और मार भर के भी चल गए। टाइम की भी कहीं कहीं कमी दिखी, तो 550 गाँव में कवर करना और वो भी 20 दिन के अंदर। बहुत बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जयप्रकाश जी ने, हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी ने मेहनत करी है, जयप्रकाश जी ने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े। उसके बाद में एक सबसे बड़ी बात यह है कि वो अभी शर्मा जी भी सवाल आपसे पूछ रहे थे, वो मैं रिपीट करूंगा कि सिरसा में प्रियंका गांधी जी आई, अपने महेंद्रगढ़ भिवानी के अंदर राहुल गांधी जी आए, इस हार बड़ा सुना सुना सा छोड़ दिया। मतलब कोई बड़ा नेता सिर्फ हुड्डा साहब को छोड़कर या दीपेंद्र जी को छोड़कर कोई सेंटर लेवल का नेता एक बार भी विजिट करने नहीं आया। मतलब भाई ठीक है जी, जेपी लड़ेगा तो ठीक है, जीत गया तो भी ठीक है, हार गया तो भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। जयप्रकाश जी को जीतने के लिए जब सर्वे हुआ, कांग्रेस पार्टी ने जब 9 टिकट बांटी, 9 तो शैलजा जी के दीपेंद्र जी की थी, बाकी 7 टिकटें बांटी, तो सर्वे के आधार पर टिकट मिली है जयप्रकाश जी को। जीतने के जीतने वालों को टिकट मिली है, ना कि हारने वालों को। तो जब ऊपर सर्वे में नाम इनका आया है तो टिकट वैसे तो नहीं मिली, मांगत देश था टिकट, बिल्कुल ऐसे टिकट नहीं मिली। बाकी लीडर की जहाँ तक बात है, जब हुड्डा साहब 2 बारी आए, दीपेंद्र जी आए और भी कांग्रेस पार्टी के मारा भर के कार्यकर्ता लग रहे थे, तो राहुल गांधी जी जय दादरी आए, सोनीपत आए, फिर पंचकूला गए, पंचकूला मीटिंग ली, प्रियंका जी पानीपत वहाँ करनाल गई और अपने सरसा। लीडर है, लीडर कई बारी के बता कहाँ जाना पड़ जाए, इतना टाइम होता है। मोदी बताओ कड़े कड़ आया, बताओ आप बताओ कमल जी मोदी कहाँ कहाँ है हरियाणा में? नहीं मोदी का तो चलो ठीक है, मोदी का क्यों, चलो अमित शाह है तो उनकी जगह पे। नहीं अमित शाह भी बड़ा चेहरा है। नहीं, कितनी जगह, कितने लोकसभा में गए अमित शाह मोदी दोनों? एक बार तो विजिट बनती थी ना। नहीं नहीं मैं ये कहूँ कि अमित शाह कितनी लोकसभा में गया है और मोदी का है लोकसभा में गया। मैं बीजेपी का प्रवक्ता ना, 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 प्रवक्ता नहीं, देखो उनका मैटर है वो कहां भेज रहे हैं। तो आपसे, आप कांग्रेस से हो तो कमल जी लीडर की बात यह है कि हुड्डा साहब को आप कम लीडर मानते हो क्या? हुड्डा साहब भी किसानों का सबसे बड़ा लीडर है। नहीं मैं मानता हूँ, हुड्डा साहब तो 3 बार बड़ी रैलियां करके गए हैं। वैसे भी किसानों का सबसे बड़ा लीडर है हुड्डा साहब देश के अंदर। टिकट की लाइन में आप थे या नहीं थे? ना, या फिर आपने मना कर दिया कि नहीं मैंने मना किया? क्यों, रीजन क्या रहा? नहीं रीजन तो यही है, मैंने सबसे पहले कहा था कि मेरा व्यूत नहीं है चुनाव लड़ने का। लोकसभा बहुत बड़ी, पार्टी भी कुछ सपोर्ट करती होगी? नहीं पार्टी सपोर्ट करना हुआ तो बाद की बात है, समय की पहले की बात है। सबसे पहले लगता नहीं आपके पास मौका था, एक बगैर अपन जाति उसके हिसाब से देखें तो भाई 3 जाट थे। अगर आप जाति पाति मैं नहीं करता, बिल्कुल भी जाति पाति मैं नहीं करता। देखो आप करते नहीं हो, पर राजनीति में हमेशा ये होता है, जातीय समीकरण हमेशा देखे जाते हैं कि कौन सीट पे कौन खड़ा है, कौन सीट निकाल सकता है। विधानसभा लड़ लेंगे अपन, दो बिना पाचे विधानसभा लड़ लेंगे। तो लड्डू वड्डू बनवा लिए, तैयारी कर रखी है? तैयारी अपनी दुकान में फुल लड्डू है, चिंता भी करो। अच्छा कल खोल देंगे सारे। और बता पक्का? ठीक है हाँ, तो दुकान में लड्डू। क्या लगता है कितने बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी? देखो स्थिति का क्या पता, काउंटिंग शुरू होगी उसका बाद में देखो, 12 बुरा तो बजने चाहिए मेरे ख्याल, बाकी क्या पता काउंटिंग का। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, कमल आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। बाकी रिजल्ट कल आएगा तो कल दोबारा से एक बार जुड़ेंगे आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल कमल बिल्कुल। तो ये थे हमारी तरफ से, आप 100% मानना कि जयप्रकाश जी अच्छे वोटों जीतेंगे। चलो धन्यवाद सर। तो ये थे रामनिवास घुड़ेला जी, पूर्व विधायक हैं बरवाड़ा से, हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीति के ऊपर खुल के इनसे चर्चा हुई है। अभी भी तकड़ा कॉन्फिडेंस इनका है कि कल जेपी साहब जीत रहे हैं, साथ में इनकी वहाँ पर मिठाइयों की बड़ी शोरूम है, बोल रहे हैं कि पूरे के पूरे ओपन कर दिए हैं, जैसे ही जीत की खुशी आएगी तो सबके लिए खोल दी जाएगी। तब कल 4 बजे तक जुड़े रहे, 4 तारीख है कल, कल तक जुड़े रहे हमारे तक लास्ट अपडेट के लिए। नमस्कार, जय हिंद।